हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ का पाठ सात डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जवानी। बच्चे पाठ को पढ़ा, कठिन शब्दों को पढ़ा, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चे, जो प्रश्न उत्तर मैं लिखाऊंगी उसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। अब वीडियो को देखते हैं। प्रश्न नंबर एक, डाकिये का क्या नाम था? इसका उत्तर है, डाकिये का नाम कंवर सिंह था। डाकिये का नाम क्या था बच्चों? कंवर सिंह था। प्रश्न नंबर दो, डाकिया कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर है, डाकिया हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? डाकिया हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का रहने वाला था। प्रश्न नंबर तीन, कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? इसका उत्तर है, उनके परिवार में चार बच्चे थे। कितने बच्चे थे बच्चों? चार थे। तीन लड़कियां थी और एक लड़का। कितने बच्चे थे बच्चे? चार बच्चे थे, तीन लड़कियां और एक लड़का। प्रश्न नंबर चार, भारतीय डाक सेवा की क्या क्या विशेषताएं है? इसका उत्तर है, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। सबसे बड़ी भी है और सबसे सस्ती डाक सेवा है। भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। प्रश्न नंबर 5, कंवर सिंह को डाक सेवक के रूप में कौन कौन से काम करने होते हैं? उत्तर है, जब कंवर सिंह को क्या क्या डाक सेवक के रूप में क्या क्या काम करना पड़ता है? चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री और क्या करना पड़ता है, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि पहुंचाने के लिए कंवर सिंह को गांव-गांव जाना पड़ता है। क्या क्या काम करना पड़ता है बच्चों? उसे चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि पहुंचाने कंवर सिंह को गांव-गांव जाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, गांव में डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है बच्चों? इसका उत्तर है, क्योंकि वहां पर आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक सेवक है। गांव के लोग अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। प्रश्न नंबर 7, आप कैसे कह सकते हैं कि कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है? कैसे कह सकते हैं बच्चों? इसका उत्तर है, कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस नौकरी की बदौलत उसे मनी ऑर्डर पहुंचाने पर उसे क्या करना पड़ता है बच्चों? मनी ऑर्डर जब पहुंचाता है पहुंचाने पर जब वो मनी ऑर्डर को पहुंचाता है और रिजल्ट या नियुक्ति पत्र पहुंचाने पर पेंशन आदि लोगों का
पहुंचाने पर लोगों की खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इस नौकरी की बदौलत उसे मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, रिजल्ट या नियुक्ति पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 8, पहाड़ी इलाकों में डांव पहुंचाने के कंवर सिंह को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी इलाका है जहां बच्चों, वहां पे डाक सेवक मतलब चिट्ठियां जो पहुंचाने के लिए क्या क्या उसे परेशानी करनी पड़ती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिए को मीलों पैदल चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? मीलों पैदल चलना पड़ता है बर्फबारी में, ठीक है, फंसने जैसी कठिनाइयों का से गुजरने का भी पड़ता है। कई बार वो बर्फ पड़ जाता है तब भी उन्हें बहुत मुसीबत से वहाँ से निकलने का मौका मिलता है। प्रश्न नंबर 9, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा मिला था बच्चों कंवर सिंह को पुरस्कार? कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का, किसका मिला था बच्चों? बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला था। किसका मिला था? बेस्ट पोस्टमैन का। प्रश्न नंबर 10, यह पुरस्कार उसे कब मिला था? कब मतलब किस सन में मिला था? इसका उत्तर है यह पुरस्कार उन्हें 2004 में मिला था। कब मिला था बच्चों? 2004 में मिला था, ठीक है बच्चों। और कौन सा पुरस्कार मिला था? बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला था, और उसे कब मिला था? 2004 में। बच्चों आज आपने ये प्रश्न उत्तर किए, इन सबको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे।